फाइनली रूम मिल गया है 2:30 बजे, तो मैंने अपना सामान रख लिया है। तो पहले मुझे दूसरा रूम दिया था और मैंने अभी उसको चेंज कर लिया है। जो मेरी बुकिंग थी वो गार्डन फेसिंग रूम था, तो यहाँ पे 3-4 पूल हैं, यहाँ पे 300 to 600 रूम्स हैं, ये 3-4 बिल्डिंग हैं इस होटल के। तो इस होटल का नाम है फुकेट ग्रेसलैंड रिसॉर्ट्स एंड स्पा। तो ये पटोंग बीच के बिल्कुल सामने, तो इसके एक तरफ अगर जाओ तो पटोंग बीच है, तो इस रोड क्रॉस करते ही ये वाला रिसॉर्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे इनका मेन पूल है, सी फेसिंग पूल। और ये जो रूम है, ये रूम मुझे मिल गया है, और इस रूम का मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है और ये कितने का पड़ा है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाहर से। इधर से गली है, ऐसे आए तो इधर रूम है, इधर पीछे लिफ्ट था। तो ये है रूम नंबर, ये रूम है, और यहाँ से रूम डोर खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लग गया कार्ड, इसका कुछ स्विचेस हैं, और इधर ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे। इधर देखते हैं इधर क्या है। तो इधर ये आयरन बोर्ड है और ये प्रेस है, यहाँ पे एक लंबा सा ये मिरर है, फुल मिरर। तो इस तरफ है ये बाथरूम, तो यहाँ पे बाथ टब है, इधर टॉवल है, ये मैंने यूज़ कर लिया है, और ये वॉश बेसिन आ गया, सोप है, और ये सारे ब्रश वगैरह और बाकी का सामान और ग्लासेस हैं। तो एक ये मिरर है वाला बड़े वाला, जिसमें फेस काफ़ी बड़ा दिखता है। तो ये आ गए हम। अब इधर क्या है, इधर एक ये शॉवर क्यूबिकल है, ये वाला, ये देखो ऊपर लगा हुआ है, ये वाला भी है, और यहाँ पे ये शैम्पू है और शॉवर जेल है और कंडीशनर है, दो दिए हुए हैं। तो इस तरह का सेटअप है ये, यहाँ पे फ़ोन दिया हुआ है, कुछ चाहिए तो ये। और अब ये वापस चलते हैं। तो फ्लोर इसमें जो है वुडन फ्लोर है, यहाँ को बाहर निकले तो ये अलमीरा खोलोगे तो इसमें ये दिए हुए हैं दो बाथरोब, एक्स्ट्रा पिलो दिए हुए हैं, और ये जो है नीचे चप्पल भी दी हुई है बीच वाली, बीच बीच पहन के जाने वाली। और यहाँ पे आ गया ये फ्रिज है, फ्रिज में खाली है तो कुछ रख सकते हो यहाँ पे ठंडा करने के लिए, इसको कहते बंद। तो ये इधर ग्लासेस हैं कुछ, और वो कप, चाय के लिए कप है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये केटल आ गई, केटल के साथ में ये वाली इस तरह की पानी की बोतल है, कांच की ये वाली, ऐसे ओपन करने वाली। तो ये दो बोतल, ये दो बोतल मिली हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चाय बनाने वाला सामान है, चाय कॉफ़ी बना सकते हो, मिल्क है। तो इस रूम में ये यहाँ पे ये एसी का कंट्रोल है। ये रूम के अंदर दो बेड हैं, एक ये वाला बेड है और ये एक आगे वाला बेड है। और यहाँ से देखो ये कर्टन खुल जाता है, तो यहाँ से भी मतलब बाथरूम से भी बाहर का व्यू दिखता है, और यहाँ से बाथरूम का व्यू भी पूरा दिखता है, पता चल जाता है कोई नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, नहाने गया है। ये एक बड़ा सा टीवी है, इधर अपना सामान पड़ा हुआ है, ये बेड आ गया, इधर एक ये फ़ोन है, पेंसिल दी हुई है, टीवी रिमोट दिया हुआ है, कुछ स्विचेस हैं। मुझे अभी तक कोई इसका जो स्विच ऑन ऑफ करने वाला, जो पावर वाला कोई स्विच नज़र नहीं आया एक कैटल के अलावा। तो ये फिर से मिरर आ गया एक बड़ा सा, इधर ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कुछ है, अच्छा ये कनेक्टिंग रूम है शायद, तो इसको बंद कर देते हैं, कनेक्टिंग रूम है। इधर आ गया कर्टन, ये इधर ये सोफ़ा है इस तरह का, ये रिक्लाइनर टाइप का, और बेडिंग जो है, बेडिंग भी इसकी, बेडिंग काफ़ी अच्छी बेडिंग है, मैट्रेस वगैरह। तो ये आ गई बालकनी, तो यहाँ पे पहले इसको करेंगे अनलॉक, ये खोला तो यहाँ पे ये है इस तरह का, एक ये वाली चेयर रखी हुई है, उधर वो कपड़े सुखाने वाला माल है, और ये जो है इधर एक चेयर है। तो यहाँ से बाहर निकलो तो ये सामने देखो ये पहाड़ दिख रहा है, तो पटोंग बीच जो है इस तरफ है, इस तरफ ये जो सामने ये वाला एरिया है यहाँ पे, इधर पटोंग बीच है, ये बीच में दिख रहा होगा, ये इनका मेन पूल है जहाँ से सी व्यू दिखता है। ये देखो ऐसे कुछ मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, कुछ अगर नज़र आता तो ये है इनका मेन पूल।
तो यहाँ पे ये एक ग्राउंड है, ये पूरा बहुत सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रास लगा हुआ है यहाँ पे, नीचे फ्लावर वगैरह लगे हुए। तो मेरा जो रूम है, ये 4th फ्लोर पे है, मुझे मिला है। मैंने उनको बोला है कि मुझे थोड़ा कम फ्लोर वाला दे दो, तो आज अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने बोला मुझे कल रिमाइंड करना, तो कल वो अगर चेक करेंगे अगर रूम अवेलेबल होगा उस साइड में तो वो थोड़ा नीचे फ्लोर में देंगे। तो मैक्सिमम इसमें 4 फ्लोर हैं इस रिसॉर्ट के अंदर। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे व्यू रिसॉर्ट का, काफ़ी सुंदर है। इधर पूल है बड़ा, इसमें 4-5 पूल हैं, एक इस तरफ भी पूल है। ये वाला यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट वाला एरिया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह मिलेगा। तो मैं ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा आपको, ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। ज़्यादा इंडियन ऑप्शन अवेलेबल होंगे नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। तो ये देख लो, ये और ये पीछे पूरा पहाड़ दिख रहा है, ये व्यू काफ़ी अच्छा है। ये कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और वेदर जो है आज काफ़ी क्लियर है, सन्नी डे है, थोड़े थोड़े क्लाउड हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रीन ब्लू एंड क्लाउड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो ये इस तरह का है जी, का है ये रूम। और कल अगर मेरा रूम चेंज हुआ तो फिर मैं वो दिखाऊंगा वो रूम कैसा है। तो वरना ये वाला रूम अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पेसियस है। ये देखो अंदर की साइड में ये पूरे 2 बेड हैं, 2 बेड लगे हुए हैं, और इधर ये बालकोनी है मस्त सी। ये देखो रिक्लाइनर है, इधर बैठ के चाय वाय पी सकते हो। सामने का व्यू आपको पता ही है, पहाड़ का एकदम फर्स्ट क्लास व्यू दिख रहा है सामने। तो बहुत अच्छा रिसॉर्ट है और अच्छी लोकेशन पे है। इसके नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है वो 4 पॉइंट बाय शेरटन है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे रिसॉर्ट है ये वाला। इनके 3-4 बिल्डिंग है, डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट कैटेगरीज के रूम है। तो मैंने वेटर से पूछा था तो शायद 300 या 600 रूम्स हैं इनके टोटल। और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से यहाँ पर, और लग रहा है कि फुली बुकड है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना पॉपुलर है, और एरिया भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो ये रहा रूम, रूम आपने देख लिया। ये मैट्रेसेस काफ़ी अच्छा बढ़िया है, 2 बेड हैं इसमें, मतलब 4 लोग भी इसमें आ सकते हैं। और ये सेटअप सारा, ये टीवी और सारा बढ़िया है, तो अच्छा है कुल मिला के। और जो सोप और वो जो शैम्पू वगैरह दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो ये जो रूम है ये मैंने मेगमी ट्रिप से लिया है, तो मुझे कुछ पॉइंट्स थे तो वो मैंने पॉइंट ऐड करके लिया है। तो मुझे 7,000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट पड़ा है वाला रूम, तो जो कि ठीक है। अदरवाइज इसका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 8, 10,000, 12,000 ऐसे करके इसका रेट जाता है इस वाले रिसॉर्ट का। तो चलो जी, अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अब कुछ देखते हैं, नियर रेस्टोरेंट पे ढूंढते हैं आसपास प्योर वेज, और उसमें करते हैं डिनर या ब्रेकफास्ट कुछ भी ज़्यादा। देखो यहाँ से ये सामने पटोंग बीच है, और यहाँ से इधर को आए, और ये मेन गेट है इसका रिसॉर्ट का। तो यहाँ से अंदर जाएंगे, तो ये देखो ये मेरा वाला जो रूम था वो इस साइड में था, तो ये भी रूम है बने हुए यहाँ पे। तो इधर ये पार्किंग है काफ़ी बड़ी, पार्किंग से अभी चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से इसका रिसेप्शन एरिया कैसा है। और ये इधर एक ये और होटल है, तो इसका भी मैं बताऊंगा, इसमें मेरा एक दिन का स्टे है, ये सामने नज़र आ रहा है होटल। तो ये वाला जो है उसमें भी एक दिन का मेरा स्टे है, इस वाले में देखते हैं, 1-2 दिन यहाँ पे है और 1 दिन वहाँ पे है। तो इसकी लॉबी काफ़ी बड़ी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। ये पीछे मैं इधर से मेन रोड से आया हूँ, और इधर चलते हैं अब आगे। तो ये आ गया इसका मेन, इधर एक ये कुछ फाउंटन सा है, कुछ अलग पता नहीं, कुछ ऐसा पूल सा बना हुआ है, पानी आ रहा है, डिज़ाइन सा एटीएम है यहाँ पे, वेरी नाइस। तो ये फुकेट ग्रेसलैंड रिसॉर्ट एंड स्पा, ये एंटर किए, एंटर करते ही ये देखो एकदम ह्यूज लॉबी है इस तरफ, यहाँ से हम एंटर किए हैं। इधर वेटिंग एरिया है कि अगर आप जल्दी आ जाते हो तो आपको रूम नहीं मिलता है, तो आप वेटिंग कर सक वेटिंग में बैठ सकते हो। इधर एक मुझे सोविनियर शॉप भी नज़र आ रही है, तो वो मैं दिखाता हूँ सोविनियर शॉप जो है वो कैसी है। ये इधर सोविनियर शॉप है, इस तरह की चीज़ें हैं सोविनियर में, कुछ कलरफुल ये बाल हैं रंग बिरंगे, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है, पिंक एंड ग्रीन, ये सही चीज़ है।
ये देखो रेड एंड ब्लू, और एक ये वाला कलर के बाल हैं, और एक ये ब्लैक एंड रेड भी बाल हैं, तो सारे नकली बाल हैं लगाने के लिए सर। सोविनियर शॉप है ये, इधर एक ये इस तरह के कपड़े हैं थाईलैंड के, वो वाला ये कार्ड्स हैं, ये कुछ मेरे ख्याल में लड़कियों के कुछ लिप्स वगैरह हैं, ये थैले हैं, ये सोविनियर वो मैगनेट्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये वाले सारे अच्छे से मैगनेट्स हैं, ये वाला था भी अच्छा लग रहा है, ये वाला मैगनेट, और ये कुछ स्वीट्स वगैरह हैं चॉकलेट्स वगैरह। अंदर से थोड़े एक चक्कर मारते हैं शॉप में क्या क्या चीज़ मिलती है। और ये ऐसे गॉगल्स आ गए, तो ये बैग वैग हैं, मैग्नेट्स, एलिफेंट, और इस तरह के वही सोविनियर्स कर रही हैं ज़्यादातर, ये बैग्स हैं छोटे छोटे, ये मैग्नेट्स आ गए, ये और लोअर आ गए, और शर्ट्स हैं ये वाली, और ये कुर्ता वाली शर्ट्स हैं, ये अच्छी लग रही है ये वाली, इसके फुल स्लीव है और पीछे कैप भी है इसमें, और ये लोअर्स आ गए। इधर भी है कुछ सामान, ये एलिफेंट्स हैं, तो इसमें से देख लेता हूँ लास्ट वाले दिन, इसमें से बता देना फिर मैं वो वाली चीज़ ले आऊँगा। और इधर रेड कलर का एक ये है टॉप है, ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये नाइस, तो मैं इसको ट्राई करूँगा लास्ट वाले दिन। सो दिस शॉप रिमेन्स ओपन 24 आवर्स, 24 आवर्स दिस शॉप 24 आवर, नो यू डोंट। सोविनियर शॉप और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी है इस तरफ जो है, ये जो है सामने ये ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, और ये वाला जो है मेन पूल जो है वो मेन पूल की तरफ जाता है ये वाला रास्ता, और एक ये वाला इधर से भी जो अपना रास्ता आ जाता है रूम का, और इधर एक एक्वेरियम भी है, तो एक्वेरियम में दिखाता है, इधर स्पा भी है एक, तो स्पा में दिखा देता हूँ, और ये इस तरह से है, और इधर प्ले एरिया भी है बच्चों का प्ले एरिया, देखते हैं बच्चों के प्ले एरिया में क्या क्या है। ये बच्चों का प्ले एरिया है इधर, ये भी काफ़ी अच्छा रिसोर्ट बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो आते हैं। तो इसको देखते हैं, देखो इस तरह का, तो बॉलिंग वगैरह है यहाँ पे, देखो ये बॉलिंग चल रही है, काफ़ी एरिया बैठने के लिए, तो ये अब तो ये भी पूल, ये भी खेल सकते हो यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी गेम है। ये था गेम वाला सेक्शन, और यहाँ पे ये वाला रास्ता है इधर, ये वाला पीछे, तो ये सीधा रास्ता जो है वो वहाँ चला जाता है बाहर मेन पूल पे। ये है, ये पानी सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें मछलियाँ भी हैं, ये देखो वो देखो, तो ये भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है पूल लगे, साथ साथ ही पूरे ना इसके बिल्डिंग के चारों तरफ ये जाता है। चलो मैं क्विकली अंदर का तो मैंने आपको दिखा दिया, तो अब मैं इधर से आपको थोड़ा सा मेन पूल इसका जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह का है, तो काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट है ये, और क्योंकि इस रिसॉर्ट को घूम घूम के बंदा जो है वो थक जाएगा। ये देखो इधर ये सारा पानी है अंदर, और उसमें मछलियाँ भी हैं, इस तरह का है ये वाला, ये ब्रेकफास्ट वाला एरिया ये वाला। यहाँ से अपना रूम आएगा, तो रूम दिखाता हूँ, ये 13 नंबर विंग में है रूम, जो मैंने अभी आपको ऊपर से रूम दिखाया था वो इधर से दिखाता हूँ, नीचे से जो ग्रीन जो गार्डन है वहाँ से कैसा दिखता है और कहाँ पे है। ओ इधर ही है, बहुत बड़ा है, घूमते जाओ गार्डन को देखते जाओ, एकदम हरा और फर्स्ट क्लास, बड़ा बड़ा घास लगा हुआ है। तो अपना रूम जो है इधर है कहीं पे, ये रहा ये जो ऊपर वाला है वो ये वाला रूम है अपना, ये 2343। तो यहाँ से ये देखो ये आ गया, ये
ये गार्डन सा आ गया, ग्रास आ गया। तो मैं इसका आपको पूल दिखाता हूँ, पूल एरिया। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखो, और ये देखो इधर भी पूरा ग्रीन है। तो मुझे एक चीज़ बस यही अच्छी लगी यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये देखो मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर, ये देखो घास पेड़ों के ऊपर ऊपर चढ़ा हुआ है, देख रहे हो। ये देखो, तो इधर भी ये रूम है, ये अवेलेबल नहीं थे। उधर भी हैं सामने वो सी व्यू और सनसेट व्यू रूम है, वो थोड़े महंगी कैटेगरी के हैं। ये देखो कैसे चढ़े हुए हैं ऊपर, पूरे पौधे चढ़े हुए हैं हरे हरे रंग के, ऊपर तक कोकोनट के पेड़ के ऊपर तक गए हुए हैं। और ये देखो ब्लू स्काई कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब चलते हैं पूल की तरफ। तो पूल, मेन पूल जो है, जो सी फेसिंग पूल है, वो मैं दिखाता हूँ। एक ये जो सामने है यहाँ पे, इधर भी एक पूल है। तो पहले मुझे रूम इस साइड में इधर मिला था, तो वो पीछे वाली साइड में था उसका व्यू। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे फिर इन्होंने यहाँ पे इस वाले जगह में दिया। और यहाँ पे अगर सारे जो सेक्शन है अलग अलग बने हुए हैं, जैसे ये एक सेक्शन है, दो सेक्शन है, तीन है, सारे सारे अलग अलग सेक्शन है। तो वो कहाँ मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा रूम, वो आप कह नहीं सकते। तो वो आपको वहीं पर उसी समय उसमें दे जाके, मतलब रिसेप्शन पर आप जाओगे तो रिसेप्शन पर जाके आपको रूम वो मिलेगा, पता चलेगा कि क्या रूम आप दे रहे हैं। उन्होंने मैप बना के रखा हुआ है, तो उस मैप में चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी लगे। ये है इनका सी फेसिंग पूल, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये कुछ मछलियाँ सी बनी हुई हैं। और ये देखो सामने ये वाला जो है एरिया, ये सामने पटोंग बीच है। तो ये सामने सी है, तो ये काफ़ी बड़ा पूल है ये वाला। अब चलते हैं बाहर की साइड में। तो यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हो, बाहर जा सकते हो। तो ये वाला जो है इधर काफ़ी अच्छा है, ये वाला जो सारे ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये देखो। तो ये यहाँ से व्यू है। ये यहाँ पे वो बने हुए हैं, यहाँ पे जैसे पूल में आपको कुछ ड्रिंक वगैरह लेना है, पूल बार कह सकते हो तो है। तो ये कितना अच्छा पूल का वो है व्यू। तो यहाँ से तो ये है पूल का व्यू। अभी ग्रीन वाटर लग रहा है बिल्कुल एकदम, देखो लग रहा है ना ग्रीन। और अच्छा ब्लू ग्रीन कलर की इसमें टाइल्स वगैरह लगे हुए थे, मेरे ख्याल में इसकी वजह से पानी जो है काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग नज़र आ रहा है। तो ये सामने अब आ गया जी पटोंग बीच, दिखाते हैं। देखो पूल काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखो ये है पूल। उतना बड़ा पूल है भाई, एक तरह से शुरू हो गया दूसरी तरह से ख़त्म नहीं होता। और ये सामने रूम है, वो जो सी व्यू और पूल व्यू रूम्स हैं सारे। और यहाँ से इस तरह से लगता है ये रिसॉर्ट, ये देखो। और ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े से सन बेड वगैरह लगे हुए हैं। और ये सामने आ गया, ये देखो दिख रहा है ये सारा, ये पटोंग बीच है, देखो ये रहा पटोंग बीच। बस इतना ही, मतलब इतना क्रॉस किया चल के, तो ये आ गया जी सामने पटोंग बीच। तो शाम के अभी 4 बज गए हैं, तो इस समय सन देख लो ये यहाँ पे कहाँ पे एकदम ऊपर, ये देखो यहाँ पे सन दिख रहा है तेज वाला। और मैं जब दोपहर में 11-12 बजे जब मैं था यहाँ पे पटोंग बीच पे, तो इसकी वेव्स इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, अभी बहुत तेज़ हो गई हैं और यहाँ तक आ गई हैं। पहले काफ़ी दूर तक था इसका पानी। तो ये देख लो किस तरह का है, ये मेन पटोंग बीच रोड है ओली। और यहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हैं और भी कई तरह के रेस्टोरेंट हैं। अगर इसी अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए तो इस सर को जाएंगे, इधर जाके फिर लेफ्ट के अंदर करना है। तो एक इनका ये बीच रेस्टोरेंट भी इनका रिसॉर्ट वालों का ही है। तो इस तरह से कुछ है चक्कर। और इधर जो है ये मेन रास्ता चलता है, ये बड़ा सा गमला लगा हुआ है। तो ये देखो सनसेट बियर कैफ़े, फ्लेवर रेस्ट, सनसेट पूल है, द व्यू, टॉयलेट, कार पार्क, लॉबी और ग्रेस बार एंड ग्रिल। तो इस तरह से है ये, देखो ऐसा, तो सारा का सारा ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से अगर देखना हो तो। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ से आपका सीधा
पेटोंग पेटोंग बीच से, इससे इधर पेटोंग बीच है तो सामने ये पूरा पूरा रिसॉर्ट दिखेगा। ये वाला देखो, तो व्यू काफ़ी अमेजिंग है यहाँ का, और एकदम चिल कर रहे हैं लोग सारे पानी के अंदर। तो ये इस तरफ भी रूम है, ये वाले जो हैं यहाँ पे भी ये वाले रूम है, ये सनसेट पूल फेसिंग रूम है ये वाले। और यहाँ पे मतलब डिफरेंट कैटेगरी से रूम थे, तो अपना रूम इस तरफ है यहाँ पे, तो अच्छा है, लगी रहती है। हेलो हेलो, तो ये यहाँ पे रहते हैं, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे। और ये रोड चलता है बिल्कुल ऐसे इस तरह से, और ये व्यू है यहाँ का। ये दिखा दिया मैंने आपको, मैक्सिमम एरिया दिखा दिया है। अब इसका एक जगह बची है, एक तो ऊपर वाला पूल बचा हुआ है, और एक मैं इसका जो कल सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा तो ब्रेकफास्ट में वाला सेक्शन दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ होपफुली मिलेगा, नहीं कुछ भी वेजिटेरियन, और फिर भी कुछ जाएंगे, कोई जूस फ्रूट वगैरह तो मिल ही जाएगा। तो वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है। तो अभी यहाँ से चलते हैं वापस, और वापस जाके उधर से घूम के फिर बाहर को निकलते हैं लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने खाया तो है नहीं सुबह से कुछ भी। यहाँ से चलते वापस, तो हम उधर से आए थे उस तरफ से, अब इस तरफ से हम वापस जा रहे हैं। तो एरिया काफ़ी खुला है, ग्रीन है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है, लाइक सब करते हैं, क्योंकि एरिया और जो बड़ा वाला पूल है इस वजह से ज़्यादा काफ़ी ये अट्रैक्ट करता है ज़्यादातर जो भी आते हैं टूरिस्ट, क्योंकि भीड़े जो कंजस्टेड जो होते हैं जहाँ खुले नहीं होते, तो उसमें कोई लाइक नहीं करता उसको, तो हमेशा जो हर कोई यही लाइक करता है कि कोई अच्छा जो है अपना वो मिल जाए उसको, थोड़ा क्राउडेड ना हो और थोड़ा खुला एरिया हो, ताकि थोड़ा सा अपना चिल मार सके। ये देखो कैसे पूल पार्टी चल रही है यहाँ पे, ये देखो इधर भी है, यहाँ से आप वो ले सकते हो टॉवल्स वगैरह मेरे ख्याल में ले सकते हो। तो ये है पैशन फ्रूट, अगर लेना है तो 250 दाई बात का है, समर कॉकटेल 280, स्प्रिंग कॉकटेल 280। तो ये कुछ लेमनेड हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉकटेल हैं जो कि आप ले सकते हो। और इधर जस्ट लाइफ जैकेट और वो भी मिलती है, जो आपकी वो है। तो ये मेडिकल रूम भी है कि अगर कुछ दिक्कत आ गई तो फर्स्ट एड के लिए आपको चाहिए तो मेडिकल रूम से कुछ ले सकते हो। तो ये यहाँ से एंड है, यहाँ एक और है मुझे नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ भी एक पूल है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है शायद बच्चों का पूल है, तो देखते हैं उधर भी। तो ये देखो बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग शुरू हो गई है, तो देखो इधर भी रूम है। तो घूमते घूमते भी थक जाओगे, ये वाला ये ख़त्म नहीं होगा रिसॉर्ट। अब ये देख लो, अब इधर आ गए, इधर भी वही कहानी है, देखो कितना लंबा इधर पूल है, इधर भी है, ये देखो ग्रेस बार एंड वो मेन पूल आ गया, होटल लॉन लॉबी सब कुछ आ गया। इधर जो है इधर देख लो, इधर का पूल कैसा है, किस तरह का। तो ये भी इधर भी वो है सी फेसिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट लग रहा है। और ये देखो इधर इस तरह का पूल है, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है पूल। तो बच्चे हैं बेसिकली इस वाले में, कोई डेप्थ ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा इसमें इंजॉय कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे वाली साइड में, तो ये कुछ वो बने हुए हैं यहाँ पे ना मगरमच्छ टाइप के। ये देखो ये रूम है, तो रूम के साथ ही जैसे रूम से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलते आपका पूल है ये वाला, तो ये ऊपर भी रूम है, तो ये पूल एक्सेस वाले रूम्स हैं शायद। तो अब यहाँ चलते हैं इधर, इधर जा, ओए इधर पानी है, पानी पानी है। तो ये वाला इधर बच्चों वाला पूल है, ये वाला ये बच्चों का पूल आ गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 80 सेंटीमीटर डेप्थ है इसकी। तो ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एकदम टर्किश ग्रीन वाटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये वाला जो है सामने वाला, वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि पूल एक्सेस रूम है, तो इसमें पूल एक्सेस कर सकते हैं मतलब घर। अब चलते हैं वापस दूसरी साइड में, तो बाहर निकल रहा था, बाहर निकलते निकलते इस तरफ आ गया और ये वाला पूल दिख गया मुझे, तो इसको कहते हैं बाय बाय। अब चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं एक और पूल है। तो यहाँ पे कम से कम भी आप लगा लो, मेरे ख्याल में 7-8 पूल होंगे पूरे रिसॉर्ट के अंदर,
ये बहुत अच्छी चॉइस है अगर आपको आना है यहाँ पे फुकेट में, तो ये सबसे पहले पहले नंबर पे इसको ही बुक कराना, कि एम्बियंस और ये वातावरण, पूल सब कुछ और लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर ये सेम लोकेशन पे अगर आप रहना है आपको, तो देन यू कैन कम। तो ये देखो इधर को ये वाला आ गया, इधर से मैंने आपको दिखाई दिया जब हम आ रहे थे उधर को वापस, तो इधर से मैंने दिखा दिया था। तो चलते हैं वापस वाली साइड में। ये सन बेड्स हैं यहाँ पे, टाइम मिलेगा तो आएंगे। आज तो मैं मुझे रूम ही नहीं मिला काफ़ी देर, 3:30 बज गए लगभग रूम मिलते मिलते। तो ये देखो इस तरह से है, ये देखो ये बने हुए मगरमच्छ, और देखो ये कितना क्लियर वाटर है। ये ट्रीटमेंट वाला वाटर होगा मेरे ख्याल में, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है पूल के अंदर। ये तो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये मेन पूल से आए हम, और वो रहा अपना रूम, और ये है ब्रेकफास्ट वाला एरिया। चलते हैं मेन जो लॉबी है, लॉबी वाले एरिया में चलेंगे। और लॉबी वाले एरिया ये तो पूरा गोल घूम घूम करके है ये वाला रास्ता। इधर भी बैठा है बैठने के लिए बेंच बना हुआ। तो देख लो अभी जो है कितना बड़ा है। इधर भी बिल्डिंग 6 इधर हुआ है, तो इधर भी देख लेते हैं इधर क्या है बिल्डिंग 6 में। तो इधर भी मेरे ख्याल में एक डिफरेंट बिल्डिंग और डिफरेंट पूल है, हर तरफ इनका एक अपना डिफरेंट पूल है। ग्रीनरी देखो है ना हर तरफ, मुझे तो ग्रीनरी देख के सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, एकदम मस्त ग्रीनरी है, तो वही चाहिए हमें। अच्छा ये वही वाला पूल आ गया जो उस तरफ से हम आए थे दूसरी तरफ से। तो ये पूल एक्सेस वाले रूम है सारे के, रूम के बाहर ही एकदम पूल हैं सारे के सारे। और यहाँ पे एक और पूल है वो दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है ये 150 सेंटीमीटर का पूल है ये वाला। और ये इधर एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके देखिए इधर भी रूम्स हैं ये वाले। ये देखो ये रूम है इधर भी, तो ये भी इसी रिसोर्ट का पार्ट है। इधर देखते हैं ये इधर क्या है। तो ये है इसमें टाइमिंग वाइमिंग दिए हुए हैं, जनरल रूल्स दिए हुए हैं। फुकेट ग्रेसलैंड रिसोर्ट एंड स्पा इस तरफ, इधर ये मैंने पहले दिखा दिया था आपको इधर वाला पूल जो है। ये भी एक पूल बार है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा तो मुझे जो पहले रूम दिया था वो मैं दिखाता हूँ आपको, कि पहले वाला रूम मेरा क्या था जो मुझे पहले दिया था इन्होंने। वो इधर जाके इधर से कुछ था दिखता था, हाँ ये रहा। तो वो इधर से कहीं यहाँ पे था इधर वो वाला रूम जो मैंने पहले दिया था इन्होंने। ये भी वैसे कभी अच्छा लोकेशन थी, मैंने फिर बोल दिया, मैंने कहा नहीं मुझे दूसरे विंग में चाहिए, तो फिर उन्होंने उधर चेंज कर दिया, नहीं तो इधर भी ठीक था वैसे तो। अब यहाँ पे देखो इधर भी कुछ रेस्टोरेंट है, अब देखो सनसेट रेस्ट इधर भी है। तो ये देख लो अभी किड्स क्लब है यहाँ पे, तो बच्चों के खेलने का ओपन 8 से 6 बजे तक ये खुला रहता है। यह है यहाँ पे सामने, ये सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ये मेन लॉबी आ जाती है यहाँ से जनगण। इधर पुल की तरफ जाके देखते हैं पुल कैसा है। तो ये रहा पुल, यहाँ से पुल क्रॉस करो। तो ये आ गया मैं पुल पे, पसीना बहुत आया हुआ है। तो ये है पीछे का व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसीना बहुत आ गया है यहाँ पे भी। देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, उधर वाले से भी ज़्यादा अच्छे रूम लग रहे हैं मुझे इसके, जो कि इधर वाला जो रूम है ना, इधर वाला रूम का जो था काफ़ी मेरे ख्याल में डिफरेंट, और उनका जो चार्जेस हैं। जैसे भी ये देख लो ये वाला ग्रीन पूरा रास्ता बना हुआ है सारे का सारा, तो काफ़ी सही है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है ये वाला। फिश ऐसे छोड़ी हैं ऊपर को आती हैं भाग भाग के, कलरफुल हैं। ये अपना आ गया खाना, शाही पनीर, अनियन, रोटी तंदूर की और गार्लिक नान। तो अब खाते हैं खाना, ये है गांधी
वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पकड़ में, तो गांधी रेस्टोरेंट है ये होटल के पास में था, मैं थोड़ा सा चम गया था तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं कभी खाता हूँ खा के टेस्ट तो देखते कैसा है इसका, ये तो साथ में है ये स्प्राइट, तो खाते हैं। बहुत भूख लगी है, सुबह से आज व्रती चल रहे हैं, कल से ही रात से। ये है पटोंग बीच की रोड, यहाँ पे काफ़ी सारे पब्स हैं, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, ये देखो शॉपिंग भी है, सोविनियर्स हैं, बैग वैग हैं, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ये देखो जी कितना बड़ा है,